हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? तो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल सुनील सुनील कौशल में। और आज मैं आपको एक बहुत ही अहम जानकारी लेके आया हूँ स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से, SAI की तरफ से, भारतीय खेल प्राधिकरण की तरफ से, जहाँ पे बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई हैं इंडियन कोच के लिए। तो देखिए, पूरी की पूरी जानकारी मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। देखिए, जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ में मैं जा रहा हूँ, तो यहाँ पे आप लोगों को आज की पूरी वैकेंसीज के बारे में जानकारी दूंगा। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें, और पूरा देख के ये देखें कि आप लोगों के लायक जॉब है कि नहीं है, उसके बाद वहाँ अप्लाई जरूर करें। तो देखिए, SAI इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कोच ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से एप्लीकेशंस मंगवाई गई हैं। SAI इनवाइट्स एप्लीकेशन फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ कोच ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। आप यहाँ पे देख सकते हैं, नोटिस इनवाइटिंग एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ कोचिज प्योरली ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो देखिए, आर्चरी की 7 वैकेंसीज हैं, एथलेटिक्स की 10 वैकेंसीज हैं, उसके बाद बॉक्सिंग की 7 वैकेंसीज हैं, हॉकी की 7, शूटिंग की 7, वेट लिफ्टिंग की 7, रेसलिंग की 7, साइकिलिंग की 7, फेंसिंग की 7 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा जूडो की 7 वैकेंसीज हैं, रोइंग की 7 वैकेंसी हैं, स्विमिंग की 2 वैकेंसीज हैं, टेबल टेनिस की 2, बास्केटबॉल की 2, फुटबॉल की 2, जिमनास्टिक की 2, कबड्डी एंड खो खो की 2, कियाकिंग की और कनोइंग की 2, टेक्वांडो की 2, वॉलीबॉल की 2, वुशू की 2। टोटल होगी 100। तो अब ये जो वैकेंसीज हैं, 100 वैकेंसीज ये भरी जानी है। और लास्ट डेट मैं आप लोगों को बता दूं, लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो है 20 मई 2021। अब फ्रेंड्स, एलिजिबिलिटी की भी बात कर लेते हैं। अब जो भी कैंडिडेट्स कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे एलिजिबल होंगे, उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए इन कोचिंग फ्रॉम SAI, या तो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हो, या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से हो, और फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटी, या फिर और एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए, या फिर अगर आप मेडल विनर हैं इन ओलंपिक्स या वर्ल्ड चैंपियनशिप में, या फिर 2 बार ओलंपिक आपने पार्टिसिपेशन की है, तो उसके लिए कोई एक्सपीरियंस ही नहीं चाहिए आपका, या फिर आप लोगों ने ओलंपिक या इंटरनेशनल पार्टिसिपेशन की है, या फिर द्रोणाचार्य अवार्डी हैं, तब भी आप लोगों के लिए किसी भी तरह का कोई भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद पे की बात कर लेते हैं। पे रहेगी आपकी 1,05,000 से 1,50,000 तक, और टेन्योर रहेगा 4 साल का, और इसको एक्सटेंड किया जा सकता है इन साइकिल ऑफ 4 ईयर्स। और एज की अगर बात करें तो मैक्सिमम एज जो है वो 45 ईयर्स आप लोगों की होनी चाहिए। 45 साल से ऊपर होंगे तो आप लोगों को फिर कंसीडर नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर आपकी यहाँ सिलेक्शन हो जाती है तो आप लोगों को ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये 65 ईयर्स तक एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा एक कंसोलिडेटेड पे भी दी जाएगी, दैट इज फिक्स विद इन द रेंज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस एंड क्वालिफिकेशन। तो वो यहाँ पे इसको डिवाइड किया हुआ है। अब सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लेते हैं कि आप लोगों की सिलेक्शन कैसे होगी। तो सिलेक्शन प्रोसीजर इज थ्रू इंटरव्यू इंक्लूडिंग ओरल टेस्ट फॉर डिसिप्लिन स्पेसिफिक नॉलेज इन केस नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर देन 5 टाइम्स दी वैकेंसी। शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट्स फॉर इंटरव्यू शैल बी कैरिड आउट ऑन द बेसिस ऑफ अप्रूव्ड क्राइटेरिया। बेसिकली आप लोगों का डायरेक्ट एक इंटरव्यू होगा और उसमें एक ओरल टेस्ट होगा बस। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट जो होगी फॉर इंटरव्यू अलॉन्ग विद डेट एंड प्लेस ऑफ इंटरव्यू, वो आप लोगों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया वेबसाइट पे मिल जाएगी, जो जिस वेबसाइट पे मैं आप लोगों को लेके आया हूँ। तो फ्रेंड्स, ये इसके अलावा आप लोगों ने अब अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई, आप लोगों ने ऑनलाइन ही अप्लाई करना है, ठीक है। और अवेलेबल ऑन दैट ये जो फॉर्म होगा ये आप लोगों को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे मिलेगा, वहाँ से आपने डायरेक्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है। अगर आपने किसी इफ़ यू अप्लाइड फॉर अनदर पोस्ट एंड फाउंड एलिजिबल फॉर बोथ पोस्ट, ओनली हायर पोस्ट विल बी ऑफर्ड।
मान लीजिए आप लोगों ने दो पोस्टों के लिए अप्लाई किया, तो जो हायर पोस्ट होगी उसमें सिलेक्शन होगी दोनों में ही, तो आप लोगों को जो हायर पोस्ट होगी उसके लिए कंसीडर किया जाएगा। बाकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो डिसीजन होगा वही मान्य होगा। तो एप्लीकेशन रिसीव्ड आफ्टर ड्यू डेट जो होंगी वो रिजेक्ट कर दी जाएंगी। तो फ्रेंड्स, इसलिए 20 मई 2021 से पहले पहले आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई कर देना है। फ्रेंड्स, ये थी आज की कुछ इंफॉर्मेशन जॉब के बारे में आप लोगों के लिए। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद एंड थैंक यू वेरी मच।